हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा राज सर, मैं अपने दोस्त से मिलवाना, आप पहले मिल चुके हैं, अभी आया था, उसको बड़ा शौक है आपकी आवाज निकालने का। चंदू, तो ये आपका जेन्युइनली फैन है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा था अपनी एंट्री में, और ये आपकी चंदू 97-98 में मैंने आपको मिमिक किया था। क्या बात कर रहे हो, वाह। और जो भी आप बोलते सर, उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है कि डायलॉग मैंने कभी आपके बहुत कम सुने हैं, लेकिन आपको मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है कि आप कैसे करते हैं, किस तरह से उस सीन में जान भर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा करके बताऊंगा, एक मैंने सीन देखा था कि लड़की अंदर है, तो आपका नेगेटिव रोल था, तो आप चटकनी लगाते हैं रूम की, तो फिर कैसे उसको कहते हैं ललिता हमारे पास एक आदमी दो बूंद पाने के लिए तड़प रहा है और तुम उसे पानी नहीं दे रही। सर आंखों में आंसू आ गए सर, मैं आपका बहुत Chandan, God bless you. Thank you so much. राजी, मेरी मिमिक्री पे मत जाइएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं जीतू बनाऊं। ये क्लियर करना जरूरी होता है, बाद में ये बोलेगा ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। और क्या माशाल्लाह डांसर दिए मुझे, 6 घंटे की रिहर्सल के बाद ये आउटपुट है इनका। वाह, मुझे तो लगता है मैं तोहफा नहीं तोता लेकर आया। क्या डांस करते हो, इतने रेनाउंड कोरियोग्राफर बैठे हैं, अगर डांस सीखना है तो तुम्हें इनसे 6 साल का क्रैश कोर्स लेना होगा, तब जाके तुम लोग कहीं नाच पाओगे कपिल की तरह। तुम्हें देखकर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, भागे से भट। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तथैया तथैया। अच्छा नकली जीतू जी, आप यहाँ कैसे आ गए आज? देख क्या है ना कपिल जी, जहाँ पर चीनी होती है हाँ, चीटी खुद ब खुद पहुंच जाती है हाँ। ऐसी जहाँ पर जया जी हो, जीतू जी का आना तो बनता ही है। जीतू जी से मुझे याद आया हाँ। पप्पू जी मेरा आशीर्वाद है आपको, जीतू रहो बेटा। गुगी पाजी आप भी जीतू रहो, अर्चना जी आप भी जीतू रहो। थैंक यू। मैं एक्चुअली यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कपिल जी। जी, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है। जी बहुत जोर लगता है। मैं बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन जया जी की बात ही अलग है। मतलब उस वक्त कुछ हीरोइने छोटे पर्दे पे काम करती थी, कुछ हीरोइने बड़े पर्दे पे काम करती थी हाँ। ये पहली हीरोइन है जो खुद का पर्दा साथ में लेकर आई, जया पर्दा जी के लिए जोरदार ताली। जय जी, मैं तो कहता हूँ पर्दा हटा दीजिए, नजरों से नजरें मिला लीजिए। पर आप तो नकली जीतू जी हैं, लेकिन प्यार तो असली है। तेरे को पता है कपिल जी? जी हम दोनों ने हाँ 20 से भी ज्यादा फिल्मों में हाँ साथ में काम किया है। उसके बाद मैं जैकी श्रॉफ के साथ भी काम करता था, तो मुझे उसमें जया पर्दा ही नजर आती थी। खैर जी <laughs>
राज जी, आप भी नेता हैं। जया जी, आप भी नेता हैं। गुगी जी, आप भी नेता थे। तो मैं नेता पे कविता लिखी है। अच्छा अच्छा, अगर इजाजत हो तो मैं सुना सकता हूँ। इरशाद, आप इजाजत नहीं भी देते तो सुनाता लिखी है इन्होंने। यहाँ पर भी एक नेता रहते थे, छा गए। नहीं नहीं, बोलो बोलो, ऐसे मूछ निकल रही है। मैं तो नकली हूँ, उसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। यहाँ पर भी एक नेता रहते थे, छा गए गुरु कहते रहते थे। हाँ। शेर उनकी जबान पे चढ़ रहते थे। फिर एक दिन आई एक मड़की रानी, बंद कर दिया उसने उसका दाना पानी। वाह, कैसी लगी सर मेरी कविता? बहुत अच्छी। खैर, तेरे को मैं एक बात बता दूं कपिल जी। हाँ। मैं आप सभी लोग यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो मैं आप सभी को राज की बात बताना चाहता हूँ। बताइए प्लीज। राज जी का जन्म आगरा में हुआ था। 1975 में। हाँ। राज जी एनएसडी से पास आउट हुए। अच्छा। 1977 में इनकी पहली फिल्म आई किस्सा कुर्सी का। तो ये क्या बात है? ये राज की बात है। मेरे पास आज की भी बात है। कौन सी? जय जी, मैं आपको आज की बात बताता हूँ। वो बात वो बात ये है कि राज जी आज भी नहीं भूले कि 1975 में वो एनएसडी पास आउट हुए। अच्छा। राज जी आज भी नहीं भूले कि 1977 में इनकी पहली फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूं। कैसी बातें? मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा था कि एक छोटी बात को भी मैं स्टेज के ऊपर कैसे 5 मिनट तक कर सकता हूं। रोइए मत सर, हमारा कॉमेडी शो है, मत रोइए, रोइए मत। राज जी रो रहे हैं, क्या हो रहा है? राज जी, मुझे एक सवाल था। आप आगरा में पैदा हुए थे जी? मेरा एक दोस्त घाघरा में पैदा हुआ। अरे यार, संभलने दो थोड़ा। तू मेरी बात सुन कपिल जी। हाँ। वो लड़का इतना तेज था। हाँ। लेकिन उससे भी तेज राज जी थे। मतलब? मुझे बताया किसी ने, जब राज जी अपने टाइम पे फिल्में साइन करते थे। हाँ। जब इनको पता चलता था कि हीरोइन का ज्यादा रोल हीरो के साथ है और ज्यादा वक्त वो हीरो के साथ बिताएगी, तो ये हीरो का रोल चुन लेते थे। जब इनको पता चलता था कि हीरोइन ज्यादा वक्त विलन के साथ बिता रही है, तो ये विलन का रोल कर लेते थे। काफी आशिक मिजाज थे। मुझे बड़ी खुशी हुई, जय जी आप ढिलन जी को भी लाई हैं। इनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है। अरे पूनम ढिलन थोड़ी है। तो मैं भी कौन सा जीतू हूँ? मैं इनका इहाना एडजस्ट कर रहा हूँ ना, ये मैं भी मेरा जीतू एडजस्ट कर ले, प्रॉब्लम क्या है उसमें? बुरा मत मानिएगा, हमें यहाँ पर ऐसे मजाक करना पड़ता है। अगर हम लोग मजाक ना करें तो चैनल वाले हमारे साथ सीरियस हो जाते हैं। नहीं, हमें मजाक बहुत पसंद है। आपकी हेट स्टोरी मैंने 50 बार देखी। मैं अंदर की बात, कृष्णा की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे। आप अभी नई नई है फिल्म लाइन में जी। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत के बारे में बताना चाहता हूँ। हकीकत क्या है फिल्म लाइन? बताइए जी, बताइए बेटा। बेटा, 1985 में मैंने राज जी ने और जिया जी ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था हकीकत। हकीकत। He's right. क्या बात है? Yes. क्या बात है? बस यही थी हकीकत की बात।
थैंक यू आपकी इतनी अच्छी एडवाइस के लिए. ये बड़ों की एडवाइस ऐसी होती है. थैंक यू. कैसी बोकाड़िया जी, वाह वाह. कैसी जी? जी सर. कैसी लगी आपको मेरी कॉमेडी? कैसी जी, सोच रहे होंगे मैं भी कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ. मुझे तो डर है कि कैसी जी मुझ पे कैसी ना कर दे. अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही हो तो मैं कैसी बंद, आई मीन एसी बंद करवाता हूँ. मैं एक चीज कहना चाहूंगा. हाँ. हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कल्ट डायरेक्टर कैसी बुकाड़िया जी के लिए जोरदार ताली. मैं सर, क्या बेहतरीन फिल्में बनाई है आपने. थैंक यू सर. मेरे को तेरी मेहरबानियां बड़ी अच्छी लगी. मैं चाहता हूँ तेरी मेहरबानियां टू आप मेरे साथ बनाइए. सर मैं बना दिया, रेडी फॉर रिलीज है, पर आपके साथ मैं फिल्म करता हूँ क्यों? आपका सेट तो हाथ में आ नहीं रहा है. अगर आपके साथ करूंगा तो फिल्म अच्छी बनाऊंगा. आप समझे सर? मैं हमारे भाई की बच्चे की तरह यार, हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं, बड़ा भारी एक्टर है. ऐसा मत बोलिए गोविंदा, आपका भाई जैसा. नहीं नहीं सुना, अगर हम आपको प्रूव करके हिट मार देंगे तो शायद इनका दिल ढलक जाएगा. तो मैं ज्यादा तो जेब में, लकीली आज पैसा मैं 1,000 रुपया तक दे सकता हूँ. और मैं, मेरा मेरा सर जबानी 1 रुपया ना, वो 100 करोड़ के सौदे को ऑनर करता है. आप फिल्म करिए, ये लीजिए राइट हैंड में लीजिए. और आज मेरा क्या है, 50वीं साल का, 50 साल हो गए मेरे को फिल्म लाइन में, ये 51वें साल की शुरुआत आपसे. ये मेरे को साइनिंग है. दिया सर, दिया. मैं लेकिन खुशी की बात है, रियल है पैसा ये. थैंक यू, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. अभी हम अपनी स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, बैठिए सर. लेकिन चलिए, मुझे साइनिंग तो मिल गया. वाह क्या बात है पप्पू जी, आपकी बातों में वक्त का पता ही नहीं चला. हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर, इन्होंने बड़े बड़े लेजेंड कृष्णा अभिषेक जैसे लेजेंड को भी कोरियोग्राफ किया है. बहुत बढ़िया सर. मुझे पता है आप कई सारी भोजपुरी फिल्में भी की आपने. हाँ जी. मैं 2 फिल्में बना रहा हूँ. हाँ जी. मैं चाहता हूँ उसकी कोरियोग्राफी आप करें. जरूर करूंगा. एक मैं भी शुरू कर रहा हूँ, उसका टाइटल है यूपी बिहार में मचा करदा हमारी भौजी जया पर्दा. फिर एक और हमारी फिल्म है खा के पेड़ा भौजी को छेड़ा. मैं चाहता हूं इसके लिए मैं आपको जरूर साइन करूंगा. प्लीज बैठिए सर. थैंक यू वेरी मच. देखिए मुझे पप्पू जी डांस कराए या ना कराए, लेकिन आज मैं जिसके लिए यहाँ आया हूँ उनके साथ तो मेरा डांस बनता ही है. ये जीतू जी की नहीं बल्कि अंदर से एक फैन कृष्णा की भी रिक्वेस्ट है. मैं आज जया जी के साथ नाचना चाहता हूँ. क्या बात है. जय जी. जय जी. एक स्टेप तो बनता है जय जी. अरे जी भर के नाचेंगी आज. सुपर. हमारा ही गाना होना चाहिए. क्या बात. मैं चलता हूँ. मैं थक गया हूँ. सुपर भाई क्या बात. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.